श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। प्रतिदिन वेदवाणी के कार्यक्रम में एक नया वेद मंत्र एक नए विषय के साथ लेकर के आपके बीच में चर्चा के लिए उपस्थित होता हूँ और प्रयास रहता है कि किसी ना किसी सामयिक समस्या को, किसी ज्वलंत मुद्दे को ही छुआ जाए और उसका समाधान देने का प्रयास किया जाए। अक्सर आजकल हम जब इंटरनेट पर देखते हैं या यूट्यूब वीडियोस भी बहुत प्रचलित होते हैं और देखते हैं कि कैसी एक अजीबोगरीब सी दुर्घटनाओं में भी व्यक्ति बच करके निकल जाता है और हम उसके बच जाने पर आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अरे इतनी भयंकर दुर्घटना में उस व्यक्ति की जान कैसे बच गई। तब बरबस मुख से निकलता है, जाको राखे साईया मार सके ना कोई। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए मैं एक वेद मंत्र लूंगा। मैं वेद मंत्र लूं उससे पूर्व मरने को परिभाषित जरूर करूंगा। मरना क्या है? मरना दो प्रकार का है। प्रथम, मैंने जब मुझे मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर परमपिता परमेश्वर ने न्याय तुला पर तोलते हुए मुझ देही को, रथी को, शरीरी को, साधक को, ये देह शरीर रथ या साधन प्रदान किया, ये संयोग आत्मा का शरीर से, शरीरी का शरीर से, देही का देह से, रथी का रथ पर आरूढ़ होना ये जन्म कहलाया। लेकिन जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और जीवात्मा ने इसे त्याग दिया, देही चली गई, शरीरी चला गया, रथी ने रथ छोड़ दिया, तो यही मृत्यु कहलाई। और ये मरण धर्मा शरीर जो पांच मूल तत्वों से मिलकर के बना, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, जब ये पांचों तत्व विभक्त हो गए तो ये मृत्यु कहलाई। लेकिन ये आत्मा निरंतरता में चलता रहा और इस जन्म में, इस जीवन काल में किए गए अपने कर्मों के फलों के आधार पर ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में या तो किसी अन्य योनि में, या अच्छे कर्म किए तो मनुष्य योनि में पुनः, और बहुत अच्छे कर्म किए तो मुक्ति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर गया। ये मृत्यु के संदर्भ में एक प्रकार का है। लेकिन दूसरी एक और मृत्यु है जिसकी मैं चर्चा अवश्य करना चाहता हूं। हम मृत्यु तो जब आएगी, मरने के डर से ही प्रतिपल प्रतिक्षण मरते रहते हैं। जब भी हम अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन नहीं करते, विषाद में फंस करके या कलुषित भावनाओं के अधीन स्वार्थ के अंतर्गत, जब मैं अपने कर्तव्य कर्म के निर्वहन का इनकार कर देता हूं, तो वह भी तो मृत्यु है। मरने के डर से पल पल मरना भी मृत्यु है। और इन दोनों से बचने के लिए मुझे केवल एक ही सहारा है, वह है जाको राखे साईया मार सके ना कोई। तो आइए, एक कमाल हुए हैं कबीर के पुत्र। कबीर ने तो बहुत दोहे लिखे, लेकिन कमाल ने एक ही दोहा लिखा है। आज वो कमाल का दोहा देता हूं। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, कीली से जो जुड़ा रहा बाल न बांका होए। तो निश्चित रूप से वह कीली क्या है? कीली है परम पिता परमेश्वर। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, तो निश्चित रूप से जो कीली से जुड़ जाता है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाता है। कीली अर्थात ईश्वर से जुड़ना। आइए इस बात को स्पष्ट करने के लिए ऋग्वेद का ये मंत्र लेते हैं, फिर उसका अर्थ और भावार्थ लेंगे। त्वं च सोम नो वशो जीवातुम न मरामहे, प्रिय स्तोत्रो वनस्पति सोम। हे सोम, तुम यदि नह हमारे
जीवा तुम जीवित रहने की वशः इच्छा करते हो तो मरा महे हम मर नहीं सकते। प्रिय स्तोत्र तुम प्रिय स्तोत्र वाले हो, वनस्पति संभंजन करने वालों के रक्षक हो। अर्थात यदि पूरी दुनिया भी चाहे कि मुझे मार दे, लेकिन यदि मेरा ईश्वर ही मेरा रक्षक है तो मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मेरी मृत्यु तो केवल और केवल मात्र ईश्वर की न्याय व्यवस्था में ही होनी है। और जब मैं इस सत्य को जान लेता हूं तो पल पल मरने के डर से जो मरता हूं उससे भी बच सकता हूं, क्योंकि मैं सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु, सभी दिशाएं मेरी मित्र हो जाएं, या मैं उस ईश्वर के रक्षा कवच में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता हूं। उस एक में हम अनेक रह रहे हैं और वह एक हम अनेकों में रह रहा है। इस सत्य को जान लेने के उपरांत उसी सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर को जब हम अपना रक्षक जान लेते हैं, तब कह सकते हैं कि जब तक ईश्वर नहीं चाहते या मेरे कर्मों के फलों के आधार पर ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में मेरी मृत्यु सुनिश्चित नहीं होती, तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता। तो मैं चाकू राखे साइया मार सके ना कोई, मैं मरने से भी और मरने के डर के कारण मरने से भी दोनों से निश्चिंत हो जाता हूं, मुक्त हो जाता हूं। आइए अब इस वेद के मंत्र का कुछ भाव लेते हैं। यदि सोम प्रभु की इच्छा हमें जीवित रखने की है तब हमें कोई मार नहीं सकता। वह सोम प्रभु, वह न्यायकर्ता परम पिता परमेश्वर यदि हमें जीवित रखना चाहते हैं हमारे कर्मों के फलों के आधार पर अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से दुश्मन हो जाए जमाना चाहे, लेकिन हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हम कई बार क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, ईश्वर के भक्तों से द्वेष करने लगते हैं, उन्हें सताने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं, तभी हम मृत्यु गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या होता है, ईश्वर जब बचाना चाहते हैं तो उसको मार नहीं सकता। उदाहरण है प्रहलाद का, मीरा का, जिसे कितनी बार जहर दिया गया। प्रहलाद को तो अग्नि में जला देने का प्रयास हुआ और देव दयानंद 17 बार विष दे करके मारने का जिसे प्रयास हुआ, बार बार मारने के प्रयास के बावजूद जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उनके सदकर्मों के फलों के आधार पर ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में वह मृत्यु गति को तब तक प्राप्त नहीं हुए जब तक ईश्वर ने स्वयं नहीं चाहा और उन्होंने भी खुद स्वयं नहीं कह दिया, ईश्वर अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो आनंद उसी में है जब मृत्यु की देवी आकर के मेरे कपाट पर दस्तक दे, और जब वह दस्तक दे मेरे अंदर मृत्यु का कोई भय ना हो, और उस ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हुए मैं उस मृत्यु की देवी के अंतिम दस्तक पर, जिसे मैं मृत्यु ऋषि कहता हूं कि वह मृत्यु की देवी हम सब पर शासन करती है, उस समय मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि उस दस्तक पर मैं उठ खड़ा हूं और उठ करके कपाट खोल दूं और मृत्यु की देवी का मैं स्वागत करूं, उसका आलिंगन कर लूं, जब मैं इतना भय मुक्त हो जाऊंगा
तो मैं एक बात कह सकता हूं, जो मरने के डर से मरते हैं ना, और जब इस सत्य को जान लेते हैं तो मृत्यु भी ऐसे मृत्यु और अहम ब्रह्मचारियों से थर थर कांपने लगती है, क्योंकि वह सत्य को जान चुके होते हैं। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, और वह सत्य को जान लेते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना, अर्थात उसके पूर्ण न्याय से, न्याय व्यवस्था के बिना कौन मर सकता है और कौन किसे मार सकता है। इस सत्य को जो जान लेता है, जो भक्त इस तत्व सत्य को जानते हैं, वही आनंदित रहते हैं, वही सत्य चेतन आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद में निमग्न होकर के नर्तन किया करते हैं। अरे यही तो भक्ति है, यही तो उपासना है, इसी सत्य को जान लेना ही तो सार्थकता है। कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, कीली से जो जुड़ा रहा बाल ना बांका होए, अर्थात मुझे तो केवल और केवल उस परम पिता परमेश्वर से जुड़कर रहने में ही लाभ है। और कैसे जुड़कर रहूं, इसे स्पष्ट कर देता हूं। अरे मैं और मेरा ईश्वर दोनों मेरे भीतर एक साथ, वह सर्वंतर यामी होकर के अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में मेरे ही भीतर तो है। जब मैं और मेरा ईश्वर दोनों एक साथ मेरे ही भीतर गड्ड मड्ड होकर के रह रहे हैं, तो मुझे भला कौन मार सकता है। बस आवश्यकता है कि मैं अपने भीतर रहने वाले जो मेरे अत्यंत निकट रहता है, उस ईश्वर के निकट रहूं। इसे स्पष्ट करने के लिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र, थोड़ा सा उसका अर्थ लेता हूं। तद दूरे तद्वंती के, वह परमात्मा तो हम सभी के अत्यंत निकट, लेकिन हम अपनी अज्ञानता अबोधता अल्पज्ञता के कारण अपने अत्यंत निकट रहने वाले उस सर्वंतर्यामी ईश्वर से अत्यंत दूर रहते हैं। आइए उस दूरी को घटाएं और कीली के साथ हो जाएं, और फिर निश्चित रूप से उसके प्रति पूर्णतया समर्पित होकर के जब रहेंगे, तो ना तो मृत्यु का डर रहेगा, और साथ ही साथ ये भी रहेगा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, ईश्वर की इच्छा से। अब मैं इसे थोड़ा सा और आगे, एक कदम और आगे बढ़ता हूं, बहुत आनंद आएगा इसको समझ करके। ईश्वर की इच्छा से मरना भी उतना आनंददायक है जितना उस प्रभु की इच्छा से जीना। अरे मैंने तो समर्पण कर दिया ना, मैं तो कीली के पास चला गया ना, अब ईश्वर की इच्छा है मैं जीवित रहूं तो भी उसके आनंद में निमग्न होकर के नर्तन कर रहा हूं, ईश्वर की इच्छा है मैं मेरी मृत्यु हो जाए तो भी मैं मोक्ष के आनंद में हूं, दोनों स्थितियों में मैं उस आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद में निमग्न हूं। एक में मैं शरीर सहित हूं, दूसरे में शरीर रहित हूं। इसीलिए कहा ईश्वर की इच्छा से मरना भी उतना आनंददायक है जितना प्रभु की इच्छा से जीना। इस ज्ञान से भक्त जीवित ही अमर हो जाते हैं, अपनी रक्षा की चिंता तुझ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। तेरी स्तुति करने वालों की रक्षा तू ही करता है हे परमपिता परमेश्वर, यही निश्चिंतता निरापदता की अवस्था है, अमरता का आनंद है। इसीलिए अब आइए मैं एक छोटा सा भजन ले लेता हूं। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कोई आंच आए, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना इस जहान में पथिक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओम इति शम, धन्यवाद।